दोस्तों आज हम जेम पोर्टल में देखेंगे कि किस प्रकार से बिना ओईएम के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या ओईएम की अथॉरिटी के बिना भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में पब्लिश कर सकते हैं। क्या होता है कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं बिना हम उनको ओईएम के ऑथराइजेशन के बिना उनको सेल नहीं कर सकते हैं। उनको सेल करने के लिए पहले हमें ओईएम से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बिना ओईएम के ऑथराइजेशन के भी हम उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि क्या होता है आजकल जितने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हो जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोई कैटेगरी ले ली टॉयलेट शॉप की। ठीक है, हम सबसे पहले मार्केट में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करेंगे। ठीक है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट मैं जो सबसे अच्छा फेमस होता है वो क्या होता है, लक्स का होता है। हम लक्स टॉयलेट सॉप लेंगे। ठीक है, जेम पोर्टल में हर चीज की कैटेगरी बनी होती है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए उसकी कैटेगरी बनी है, बट कभी कभी क्या होता है जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी अभी भी नहीं बनी है आपने उनको देखा होगा कि कुछ कस्टम्स बिट होती हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी नहीं बनी होती हैं वो कुछ कस्टम बिट के अंतर्गत उन प्रोडक्टों को पब्लिश किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए लक्स के ही सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को चूज कर लेता हूँ जो भी 100 ग्राम का साबुन होगा। क्या होता है कि कभी कभी आप देखिए कोई जो बिट दी जाती है उसमें उसका कॉन्फिग्रेशन दिया रहता है, ये सारी चीज़ें, ये देखिए स्पेसिफिकेशन दी रहती है। तो जब इसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जब हम अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब हम पब्लिश करने के लिए एलिजिबल होंगे। मान लीजिए मैंने इसी प्रोडक्ट को चूज कर लिया, लेकिन पब्लिश करने से पहले आप जिस प्रोडक्ट को भी चूज करें सबसे पहले उसमें एक कंडीशन को जरूर देख लें। उस प्रोडक्ट का जब आप डिस्क्रिप्शन देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें सबसे दो कंडीशन मेन है, ये देखिए रिसेलर नॉट वेरीफाइड बाई ओईएम, कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाई ओईएम। अगर ये दोनों इस तरह से है, यहाँ पे ये मार्क बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि तभी आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये सब क्या है कि आप इससे मैच करवा लीजिए। आप अपने स्पेसिफिकेशन जो भी बिड में रिक्वायरमेंट है, जो भी बिड में मांगा गया है, उससे आप एक बार उसको मैच करा के उस प्रोडक्ट को ही आप चूज करिए बस। लेकिन सबसे पहले कंडीशन है कि रिसेलर नॉट वेरीफाइड ओईएम, कैटलॉग नॉट वेरीफाइड ओईएम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आप नीचे देख रहे होंगे सेल दिस आइटम, ये देखिए मैंने क्या किया, सेल दिस आइटम पे मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, देखिए एजेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद जेम कैटेगरी, मुझका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप जिस प्रोडक्ट को पब्लिश करना चाह रहे हैं इसी सेम कैटेगरी में एक ऑलरेडी प्रोडक्ट पब्लिश है। तो क्या आप उसको पूरा कॉपी करना चाह रहे हैं, मतलब वो पूरी उसकी पूरी चीजें, पूरी सारे उसका कॉन्फिग्रेशन लेके वो आपके प्रोडक्ट को पब्लिश कर देगा। देखिए ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी एंड प्राइस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, और ये सारी चीजें उसने उस प्रोडक्ट से ले लिया जहां से जो पहले से ही इसमें ऑलरेडी वो है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे इंडिया में भरना पड़ेगा ये आ जाएगा। ठीक है, एमआरपी इसका ये है, लेकिन ऑफरिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स ड्यूटीज एंड एनआर, मतलब यहाँ पे आपको क्या है कि अपना एमआरपी भरना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 35 रुपीज कर दिया,
मान लीजिए मैंने 36 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो MRP होगा उससे हमेशा 10% लेस करके ही आपको अपना ऑफरिंग प्राइस डालना है। अगर आप 10% लेस करके नहीं डालते हैं तो वो नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 38 डाल दिया तो देखिए 5% हो गया। इसने क्या ऑफर प्राइस नीड टू बी एटलीस्ट 10% लोअर देन MRP, तो ये इसकी कंडीशन है। अब मैं क्या करूंगा, 36 रुपये डाल दूंगा तो देखिए एग्जैक्ट 10% आ गया इसमें, तो 10% आ गया वो हमारा इंडिया। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टेट ले लेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनिंग ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, ठीक है। इसमें फोल्डेस कर देंगे और सेव टू प्रोसेस, रिव्यू टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे फाइनल स्टेप में। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। डैशबोर्ड पर जाके देखेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस। यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि इस प्रोडक्ट को उसने वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में दिया है, मतलब एडमिन के द्वारा ये अप्रूवल होगा। जैसे ही एडमिन के द्वारा ये अप्रूव हो जाएगा, जैसे ही ये एडमिन के द्वारा अप्रूव हो जाएगा तुरंत ये देखिए पब्लिश हो गया। यहाँ पर देखिए यही प्रोडक्ट था, मैंने 36 रुपीज उसका प्राइस डाला था और MRP 40 रुपीज थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। अब देखिए अब मैं इसी प्रोडक्ट को, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट था लक्स टॉयलेट सॉप 100 ग्राम का, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट को सबसे पहले मैंने अपने कैटलॉग में पब्लिश किया। यहाँ पे आपने ये लाइव मैंने करके दिखाया है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमें किसी बिड के लिए इसको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब मैं देखिए मान लीजिए ये बिड थी, ये बिड नंबर है, मैं इस बिड के लिए इस प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट भी करके आपको अभी दिखाता हूँ तुरंत। कोई भी प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसको आप बिना ऑथराइजेशन के ना तो आप उसको अपने कैटलॉग में पब्लिश कर सकते हैं, ना ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट ये एक ट्रिक है, तरीका होता है कि किस तरह से OEM के ऑथराइजेशन के बिना भी हम उस प्रोडक्ट को पब्लिश कर। ब्रांडेड प्रोडक्ट को मैंने पब्लिश किया था, आपने वहां पर देखा था, जिस ब्रांडेड प्रोडक्ट को मैंने पब्लिश किया था, मैं आपको फिर से उसको दिखा देता हूँ। जिस ब्रांडेड प्रोडक्ट को मैंने पब्लिश किया था, ठीक है, टॉयलेट सॉप ये 36 रुपीज और MRP 40 और ये 36, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लाइव आपको एक बिड में पार्टिसिपेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए इस बिड को मैंने खोल रखा था, ये बिड है, ये बिड नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सर्च कर लूंगा, ये देखिए ये बिड नंबर आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है नहीं, फिर भी मैंने उसको पब्लिश भी किया और अब देखिए पार्टिसिपेट भी करता हूँ उस पे मैं, ठीक है। ये देखिए पार्टिसिपेट किया मैंने, ये देखिए यहाँ पर आ गया 100 ग्राम लक्स सॉप का 36। अब मैं इसको चूज दिस आइटम करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए चूज दिस आइटम मैंने किया, अब यहाँ पर सेव और कंटिन्यू कर दूंगा। सेव कंटिन्यू किया, देखिए यहाँ पर टेक्निकल बिट में मेरे हो गया, मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। अब यहाँ पर देखिए ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है क्वांटिटी, मांग रहा है मतलब प्राइस मांग रहा है, यूनिट प्राइस। हमेशा क्या होता है, इस पे हमें यूनिट प्राइस ही डालना पड़ता है, ठीक है। यूनिट प्राइस मैं डाल देता हूँ इसमें, मान लीजिए 35 रुपीज डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए पूरा कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा कि कितना रुपीज हुआ। यहाँ से आप प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए 36 रुपीज मैंने वहां पर भी डाला, 36 रुपीज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर शो एस्टीमेट प्राइस, अब यहाँ पर देखिए एस्टीमेट प्राइस पूरा हमें शो कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनक्रिप्ट एंड सेव,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या मांग रहा है, ये सारे सर्टिफिकेट्स मांग रहा है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, ओएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट और कंप्लायंस ऑफ बीओकी स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कर दिया, अब सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको खुद को कंप्लीट करने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बिट के हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को। अब यहाँ पर हमने देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया और यहाँ पर सेव। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा फाइनल स्टेप मांगता है वो वेरीफाई विद ओटीपी। ठीक है, तो वेरीफाई विद ओटीपी मतलब कि ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा और आप वहां से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ और देखिए यहाँ पर सारे स्टेप्स यहाँ पर पूरे हो गए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है और आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, ओईएम का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और रिसेलर का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप उस प्रोडक्ट को इजीली अपने कैटलॉग में अपलोड करके आप उसको इजीली जेम पोर्टल पर सेल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, अदरवाइज कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए हमें ओईएम का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है उसके माध्यम से आप बिना किसी सर्टिफिकेट के अपने प्रोडक्ट को जेम पे कैटलॉग कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए पूरा मेरा बिट पार्टिसिपेट हो